नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। भारत के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक बुरी खबर आई है मिडिल ईस्ट से, जो पूरे भारत में सनसनी मचा कर रख देगा, हड़कंप मचा कर रख देगा, हिला कर रख देगा। जी हां, आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के देश कुवैत ने एक झटके में 8 लाख भारतीयों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हाँ, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। कुवैत ने एक कानून बनाया है, जिस कानून के तहत 8 लाख भारतीयों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। यही आज की एक सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर है। और साफ तौर पर जो हमारी विदेश नीति है, जो हमारी कूटनीति है, उस वो नाकाम सी साबित नजर आ रही है। अभी तक हमारे जो पड़ोसी देश है, चाहे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या चाइना, पाकिस्तान, इनसे इसने हिमाकत दिखाने की कोशिश की थी। जो हम देख रहे थे पिछले 1-1.5 महीने में क्या से क्या नाटंकी चल रही है। लेकिन अब कुवैत, जो मिडिल ईस्ट के देश है, जो नागरिकता संशोधन कानून आपको पता होगा कि भारत ने लाया है पिछले साल दिसंबर महीने में, जिसके बाद से बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर भारत में विरोध हुआ। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड और मिडिल ईस्ट तक के देशों ने भी इसका विरोध किया था और ये कहा था कि ये भेदभावपूर्ण कानून है और लोगों को आपस में बांटने वाला एक कानून लाया गया है। लेकिन हमारे देश की, हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार है, जो सत्ता चला रही है, वो जो हुक्मरान है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांट कर वोट की सियासत करना था, जो अपने ही चुंगल में फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब जानिए कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल हुआ यह है कि कुवैत की कुल आबादी 43 लाख है और उस 43 लाख की आबादी में 15 लाख भारतीय मूल के नागरिक कुवैत में रहते हैं। कुवैत में काफी जोर शोर से इस बात को लेकर आवाज बुलंद किया जा रहा था कि जो भारतीय मूल के नागरिक है उनको यहां से निकाला जाए, उनको वापस भारत भेजा जाए। और आज एक नेशनल असेंबली में कानून पास कर दिया गया है, कानून ला दिया गया है, जिसके तहत जो भारत के 15 लाख भारतीय रह रहे हैं, उसमें से ये बताया गया है कि जो भारत, जो कुवैत की कुल आबादी है, उसका केवल 15% ही भारतीय मूल के नागरिक कुवैत में रहेंगे, बाकी लोगों को बाहर भेजा जाएगा। अब 15 लाख में केवल 8-7 लाख लोग ही रह पाएंगे कुवैत में, बाकी 8 लाख लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये ठीक उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने H-1 वीजा के साथ किया। और H-1 वीजा आपको पता होगा कि हर साल अमेरिका 85,000 जारी करता है और जिसका 70% फायदा जो है भारतीय मूल के नागरिकों को मिलता है। लेकिन अब हुआ क्या है, अब उल्टा उसका जो असर है, जो बुरा प्रभाव है, वो भारत मूल के लोगों को पड़ेगा। जो यहाँ के इंजीनियर है, जो टेक्नीशियन है, वो अमेरिका जाते थे। ठीक, एक कानून नेपाल ने भी लाया है, नागरिकता संशोधन कानून, जिसके तहत जो हम और आप सब जानते हैं कि नेपाल से हमारा जो रिश्ता है वो बेटी और रोटी का रिश्ता है, जो हमारे पारंपरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर तरह के संबंध है। लेकिन नेपाल ने भी एक आग दिखाने के लिए एक कानून लाया, जिसका उस कानून के तहत जो विदेश की जो लड़कियां शादी कर नेपाल आएंगी, उनको 7 साल के बाद नागरिकता मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि जो नेपाल की जो लड़के हैं और नेपाल के जो परिवार है, वो बिहार और यूपी की लड़कियों से खूब शादी करते हैं और यहाँ की खूब लड़कियां शादी कर नेपाल जाती हैं। तो उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है, देश की आम नागरिक, आम जनता। नेपाल जैसा मुल्क भी हमें आग दिखा रहा है, ये सच्चाई है। और हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं साफ तौर पर फेल्योर साबित होती नजर आ रही है। जो एक बात दिखाया गया, एक सपना दिखाया गया था अच्छे दिन का, और ये बताया गया था कि मोदी जी के आने के बाद हमारे देश की शाख बढ़ी है और देश का आन बान शान बड़ा है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि मोदी जी ने इस देश को पूरी तरीके से कंगाल सा बना के रख दिया है और देश की क्या हालत हो गई है, आप नेपाल और भूटान, श्रीलंका जैसे देश से ही अंदाजा लगा सकते हैं, और बांग्लादेश जैसा देश, वो सब हमें आग दिखा रहा है। ये आज की सच्चाई बन गई है। आप सोचिए कि क्या आलम हो गया है, क्या हालात हो गए हैं। नागरिकता संशोधन कानून जो सियासत के लिए लाया गया था, लोगों को बांट कर वोट लेने के लिए, लेकिन हुआ क्या, इसका असर क्या पड़ा, इंपैक्ट क्या पड़ा कि देश की राजधानी दिल्ली में दंगा होता है और देश के बाहर जो हमारी जो शाख थी, जिसने अमेरिका, इंग्लैंड और जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जो एक संगठन है मुस्लिम देशों का, 57 मुस्लिम देश है, उसने भी इसका विरोध किया था। मिडिल ईस्ट की जितनी देश है उन्होंने भी इस कानून का विरोध किया था, कहा था कि ये भेदभावपूर्ण और बंटवारे वाला कानून है। लेकिन हमारी सरकार ने नहीं माना, जिसका खामियाजा आज देखने को मिल रहा है। और जो मांग उठ रही थी
नागरिकता संशोधन कानून के बाद वहां पे भूटान जो अब कुवैत ने भी ये करके दिखा दिया है। तो ये बेहद ही शर्मनाक खबर, जो हमारे जो रिश्ते थे जो एक के बाद एक सारे देशों से रिश्ते टूटते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। आखिर हमारे देश में, हमारे विदेश नीति में क्या ऐसी कमी आ गई है, उसको जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है। नहीं तो अमेरिका और अब कुवैत, और अभी देखा होगा आपने जब लॉकडाउन हुआ था, देश कोरोना वायरस से जूझ रहा था, उस दौरान किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की डिबेट चल रही थी और एक कम्युनिटी के प्रति जो इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चला था, और मिडिल ईस्ट में भी ये देखने को मिला, जिससे कई भारतीय मूल के लोगों को अपनी हाथ नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि वो मीडिया के चक्कर में आकर उन्होंने उल्टे सीधे ट्वीट कर दिए मुस्लिमों के खिलाफ, जिसका खामियाजा उससे उठाना पड़ा था। अब ये हुआ है कि सीधे 8 लाख लोगों की घर वापसी होगी। क्या इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सफाई देंगे, कुछ बोलेंगे, और फिर क्या उनसे बातचीत चल रहा है, इसके लिए हम भी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तब वैसे ही आप तक पहुंचाएंगे, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और पहुंचाइए, क्योंकि आपको ये गोदी मीडिया नहीं दिखाने वाली। धन्यवाद।